इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद शिवसेना ने अब बड़ा बयान दिया है। अब गोवा पर नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के बाद गोवा और उसके बाद सारे देश में माहौल बनेगा, क्या कहा है संजय राउत ने। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो बातें होती रहती है। अभी अभी मेरे साथ गोवा के एक्स मिनिस्टर एंड एक डेप्यूटी सीएम, उनके साथ 3 MLA है, गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख है, शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो रहा है, एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्यूटी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में, तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम NCP के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी एक्स डिप्यूटी CM और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। गोवा में अब महाराष्ट्र के बाद गोवा में हलचल होगी और पूरे देश में होगी। ठीक है सर, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद बाहर जाएंगे। एक ऐसा फ्रंट हम इस देश में खड़ा करना चाहता है NBJP। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।